कोटा राजस्थान से हैं जहूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। आदाब, जय हिंद, स्वागत, वाले सलाम। हकीम साहब मैं यूँ कह रहा था, जैसे अपन जो गोंद किया लेते हैं तो उसमें मतलब वेस्टर्न थोड़ा मतलब उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें क्या है बेचारे बहुत से गरीब रहते हैं या किराए से रहते हैं, मतलब क्या है ऐसी जगह रहते हैं जो मतलब टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट नहीं आ सकते हैं, तो मतलब वो बेचारे उनका इलाज कैसे होगा। दूसरी बात ये जो अपने जैतून का नमक आता है ये हार्ट में भी काम करता है क्या सर? हार्ट में हार्ट में ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, हम एहतियातन ऐसे लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट बताते हैं, क्योंकि अगर कमर या घुटनों के दर्द का मरीज है तो उकड़ू बैठने में जो पंजों के बल बैठा जाता है उससे उसको राहत नहीं होती बल्कि और तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसके लिए देखिए, बहुत जैसे जिसके हालात हैं वैसे वो इंतज़ाम कर लेता है, और कुछ लोग तो कुर्सी को बीच में से काट के वो वेस्टर्न टॉयलेट बना लेते हैं। हमने भी किया है ऐसा ज़रूरत के तहत। तो जैसे हालात होते हैं भगवान उन्हीं हालात में जीना सिखा देता है। एक तो ये आपकी बात का जवाब, तो जल्दी फ़ायदा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। और ये जो जैतून का नमक है, हार्ट के लिए अगर लेना हो आपको तो एक चुटकी जैतून का नमक और एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के एक बार या दो बार ले सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, तो ये फिर हार्ट को बहुत फायदा करता जी, सागर से है। हैं बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते नमस्कार मैडम। मैम। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारे 2-3 क्वेश्चन है मैडम। जी बताइए। हाँ, एक बहू की दवाई तो हमारी चल रही है, बहू को मानसिक रोग है तो उसकी दवाई तो हम 5-6 महीने से मंगा रहे हैं, तो क्या कहते हैं अभी इस बार आई है एम केयर और सेना ब्राह्मी प्लस आई है, और नेक्स्ट टाइम तो एम केयर दे रहे थे, तो हम चाहते हमारी बहू बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो अभी कितना फायदा है बच्ची को, बहू हाँ, को? पहले से तो फायदा है सर, लेकिन हम चाहते अच्छी हो जाए, हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम बहुत परेशान हैं। जरूर अच्छी हो जाएगी, जरूर अच्छी हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमारी एक नातन है 11 साल की, उसको टाइफाइड हो गया अभी। ठीक है, हाँ, और कोई सवाल? आप रोइए नहीं। तीसरा हमारा वो ये हम सूखे खा रहे हैं दवाई अपनी, तो हम ठीक है, हमें जैतून जैतून के नमक से भी बहुत फायदा हुआ हमको, ठीक बाबा तीर्थी हमको बहुत ज्यादा परेशान थे हम, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया, इस समय 70% फायदा हो गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये जो बहू है आप उसके लिए बहुत परेशान हैं, और घर घर की कहानी है कि डिप्रेशन हो जाता है, दिमागी बीमारी हो जाती है, और कुछ घरेलू माहौल ऐसा होता है। हमें जिसको भी किसी के घर में ये डिप्रेशन हो जाए, उस डिप्रेस आदमी की जैसे बहू है उसकी हर बात पे तारीफ किया करें, ये एक बहुत अच्छा इलाज है। देखिए फ़ायदा तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये तारीफ जो है ना दवा से भी अच्छा काम करती है। कोई भी बात, अगर उसने खाना बनाया, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसमें नमक या मिर्ची ज़्यादा कर दी, तो हमारा क्या है, क्या बना दिया, हटाओ ये खाना, ये नहीं होना चाहिए, उसको पी जाओ और उससे कहो बहुत अच्छा खाना बनाया है, और अगर इसमें थोड़ा सा नमक और अच्छा कम डालते ना तो और अच्छा लगता। ऐसे करते हैं तारीफ, उसकी बुराई भी गिनवा दी और उसकी तारीफ भी कर दी। मुझे अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा खाना, लाजवाब, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। और फिर बाद में जब वो खुश हो जाता है तो कहता हूँ कि थोड़ा सा नमक कम होता तो बहुत अच्छा था। ऐसी हर चीज़ में ये तरीका है किसी का दिल जीतने का, सब तारीफ किया करें। ये दवाओं से भी अच्छी दवा है।
और ये जो दवाएं दे रहे हैं जिससे फायदा वो देते रहें, और अपने ये जो धनिया आता है ना, धनिया आधा आधा चम्मच सुबह शाम, ये उनके पेट में जाना चाहिए। कैसे जाएगा आप जाने, पाउडर के रूप में खाएं या साबुत धनिया को उबाल के उसका पानी पिला दें, और ये बहुत अच्छे एक रॉ मटेरियल है। धनिया तो सब इस्तेमाल ही करते हैं, और अपने सब्जी सालन में भी ज़्यादा डाला करें धनिया। जिस घर में ये प्रॉब्लम हो, धनिया का इस्तेमाल खूब होना चाहिए। तो ये बहू का इलाज। और क्या सवाल था? नाती ने 11 साल के टाइफाइड हो गया है। हाँ, टाइफाइड का 7 से 15 दिन इलाज होता है, और वो करते रहें। डॉक्टर का इलाज सबसे अच्छा है इसमें। और ये जो धनिया है ना, धनिया आधा चम्मच धनिया और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के इसको रोज़ पिलाया करें एक बार बस, तो ये बहुत राहत देता है। जैसे आपको फ़ायदा हुआ ऐसे उसको भी फ़ायदा हुआ, लेकिन वो इलाज छोड़े नहीं। 7 या 15 दिन टाइफाइड का इलाज चलता है। अगले कॉलर हैं गायत्री जी, यूपी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है गायत्री जी का। गायत्री मंत्र तो बहुत मशहूर है, बताइए क्या सवाल। जीभ से लेकर के पेट हाँ पेट पेशाब तक बहुत जलन है, और दवा खाती हूँ तो कोई काम ठीक है। नहीं करता है। और एक सवाल और है मेरा, जब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ तो मेरा सर बहुत दुखता है, पढ़ नहीं पाती हूँ। और एक सवाल और है, एक मेरे घर में आदमी है, वो 3 महीने तक गौन मोरिंगा खाए तो उनके बाल रुके रहे, और वो फिर उनके बाल झड़ने लगे हैं, उनके लिए दवा बताइए। और यही इतना सवाल है मेरा। ठीक है। हाँ, मैं समझा नहीं। गौन मोरिंगा खाए, बाल अच्छे हैं, तो उन्हें दवा की क्या ज़रूरत है? अगर और भी अच्छे बाल चाहिए तो और काफ़ी दिन तक भी खा सकते हैं गौन मोरिंगा, तो उनके बालों में खूब ग्रोथ होती है, तो फ़ायदा है। तो अगर और फ़ायदा चाहिए तो और कुछ दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं गौन मोरिंगा। ये बालों के लिए अच्छा नुस्खा कहलाता है। और देखिए, अगर ये पेट की तकलीफ़ है तो आप एक तो अरंडी का तेल समझते होंगे, गांवों में कहते हैं अरंडी का तेल, और इंग्लिश में कहते हैं कैस्टोल ऑयल। कैस्टोल ऑयल हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, 100-200 ml की शीशी ले लें, और एक चम्मच ये तेल पी लें। फीका होता है, ज़रा गाढ़ा बहुत होता है, और एक गरम गरम पानी या चाय पी लें दिन में एक बार, ये कर लिया करें। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाकर रखें, और 100-100 ग्राम लेके सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बना लें 100-100 ग्राम लेके, मेथी का दाना, और ये आधा चम्मच खाएं, और ये एक चम्मच जो कैस्ट्रॉल ऑयल मैंने बताया उसके साथ लें, और उसके आधा घंटे बाद एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपके पेट के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है ये। जी, सर जो दुखता है हकीम साहब। और देखिए, सर किसी का भी दुखता हो, ये चक्कर आते हो, ये इलाज करें। देखिए, ये हमारे जो सर की मरम्मत समझ लीजिए, ये और सर्वाइकल होता है एक, एक्चुअली यहाँ नसें दब जाती हैं गर्दन में, तो वो नसें ऐसे हम लेट के पड़ते हैं अक्सर, तो लोड पड़ता है यहाँ पर और फिर हमारा सर दुखने लगता है। अगर आंखें कमज़ोर हों तो पढ़ने से दर्द होता है दिमाग में, आंखें कमज़ोर हों तो आंखों का इलाज कराएं या चश्मे बनवाएं, और ये एक्सरसाइज किया करें रोज़ाना 3 मिनट, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका।
हाँ नमस्कार मैडम, जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। आपका सवाल? सवाल हकीम साहब को पहले तो नमस्कार। स्वागत है आपका, जय हिंद। हकीम साहब, मैंने गोंद सिया खाया था, मेरे घुटनों में दर्द था, दो डब्बे खा चुका, तो दर्द तो बहुत कम हो गया था, लेकिन अभी भी दर्द हल्का अंदर की साइड में दर्द है। ठीक है, तो उसको मैं क्या और गोंदसिया और खाऊं, क्या करूं जी? ठीक है ठीक है, और कोई सवाल आपका राजेंद्र जी? ये फिलहाल तो यही सवाल है जी। एक दर्द बिल्कुल जा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा कंधों में भी दर्द है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हों तो वो करें, नहीं है तो लगवा लें। वैसे आप समझदार आदमी लग रहे हैं बहुत, वेस्टर्न टॉयलेट आपके यहाँ होगा। और ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ाना करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे लेकिन एक एक मिनट करके 3 मिनट कर लिया करें। ये देखने में आपको मामूली लगेगी लेकिन करें ज़रूर, मेरा कहना मानकर। और एक ये ऐसे 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 ऐसे, और ये जो गौंदसिया आप खाते हैं ये बस एक खुराक रोज़ खाया करें, और एक चम्मच देसी घी असली मिल जाए तो उसमें मिला के फिर खा लिया करें, और खुराक कम कर दें, लंबे अरसे तक खाते रहिए बिल्कुल जड़ से जब तक ना निकल जाए। अब 5% रह गया है, और अगर आप उम्र दराज हैं तो 5% रह जाए तब भी भगवान का शुक्र करें कि उसने 95% फ़ायदा दे दिया। कभी कभी हम भगवान का शुक्र करने में कुछ चूक जाते हैं, और कई काम जो अटक जाते हैं वो भगवान के शुक्र से भी पूरे हो जाते हैं। जी, दिल्ली से ही अगले कॉलर हैं, ममता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी मैम, जी ममता की मम्मी बोल रही हूँ जी। ये मेरी बेटी है, मुजफ्फरनगर से आई हुई है अब। तो उनकी सासू माँ के सारे शरीर में दर्द है, जोड़ों में, हाथों में, पैरों में। उम्र कितनी है? उम्र उनकी 65 साल। ठीक है, हमारा कोई नुस्खा नहीं दिया आपने उन्हें? हाँ जी, हमारा कोई नस्खा, हमारा कोई मशवरा उन तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो मैं बेटी आई हुई है तो मैंने बताया है उन्हें कि बैठी बैठते हैं वो ऐसे ऐसे नुस्खे मैंने लिख रखे हैं आपके। गौंसिया तो वाला नुस्खा दीजिए, आपको कुछ फायदा हुआ मेरे किसी मशवरे से? मैं सुन रही हूँ, मुझे तो बहुत, मैं तो इंतजार कर रही थी बेटी का, बेटी आवे तो मैं बताऊंगी सर, तो रक्षाबंधन से उसके पहले ही आ गई है, मैं इसलिए कह रही हूँ बेटी लेकर चली जाना चाहिए दवाई। कभी आपने यूज किया मेरा कोई नुस्खा? हाँ, बहुत आराम मिला ना, बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखो, बैठ के कई महीने से, क्या 6-7 महीने से देख रही हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो पड़ोसियों को दे दूंगी, बनाया था सब कुछ, मैंने कुछ कर भी रखा। वो आपने, मेरे हस्बैंड भी शुगर से हैं तो उनके लिए भी मैंने नींबू का और उसका अदरक का, लहसुन का, वो भी कर तैयार कर रखा, जैतून का सिरका मंगाना हमें जब। ठीक है, आप मंगा लीजिए, आपको तो पहचानने भी लगे होंगे हमारे लोग। अच्छा देखिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हमें ऐसी देवियों की ज़रूरत है जो खुद फ़ायदा उठा लें पहले, और फिर वो किसी को छोड़े नहीं, चाहे बेटी की ससुराल हो, चाहे पड़ोसी हो, उन सबको फ़ायदा पहुंचा दें। हम यही चाहते हैं, हम मुस्तकिल, आप तो फिर 6-7 महीने से देख रहे हैं, लेकिन हम बहुत 10-20 साल से यही काम कर रहे हैं कि घर घर एक घरेलू नुस्खा पहुंच जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाए, और ये सब परेशानियां अपने घर में ही सॉल्व हो जाए करें, जैसे आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा करें। आप ले लीजिए नुस्खा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बच्ची की सास को फ़ायदा हो जाए, और ये आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, वरना जो समधने होती है उनमें तो बड़ी तकरार रहती है, लेकिन अगर आप उनसे मोहब्बत करती है तभी आप इंतज़ार कर रही है और नुस्खा भेजेंगे तो संबंध और अच्छे होंगे, फ़ायदा अच्छा हो गया तो कुछ दुआ आपकी और आपकी समधन की मुझे भी हिस्से में ज़रूर रखना।